इंदौर के पास महू में अल सुबह 5 बजे गोलियां चलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना किशनगंज थाने के वेटनरी कॉलेज के पास शनि मंदिर के सामने की है। वहीं सूत्रों की माने तो वाहन चोर गिरोह व राजेंद्र नगर पुलिस एवं जूनी इंदौर पुलिस ने बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी में यह बात सामने आई थी कि पुरानी रंजिश के चलते दो कार में आए बदमाशों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई थी। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार सभी अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक सुबह 5 बजे फटाके फूटने की आवाज आई। हमने खिड़की से देखा तो दो कारों में सवार लोग एक दूसरे पर आमने सामने गोलियां चला रहे थे और पूरे क्षेत्र में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। गनीमत रही कि सुबह 5 बजे का समय था, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो सकती थी। पुलिस इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। अब देखना होगा कि आखिरकार वे कौन लोग थे जिनकी पुलिस से इस तरह रहवासी क्षेत्र में बेखौफ मुठभेड़ हुई। इंदौर शहर में विगत माहों में एक बहुत बड़ी संख्या में चार पहिया वाहनों की चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिसको देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा TI जूनी के नेतृत्व में लगातार एक एम्बुश टीम लगाई जा रही थी। जो गाड़ियां पिछले समयों में चोरी हुई हैं उन गाड़ियों को ट्रैक करते किस तरफ से गई, कहां कहां रुकी, इस सब को फॉलो करने की कड़ी मशक्कत के पश्चात जो जो रास्ते आते थे पुलिस वहां पर एम्बुस लगाती थी। कल किशनगंज क्षेत्र में एक स्ट्रेटजिक पॉइंट पर पुलिस की 4 टीमों द्वारा एम्बुस लगाया गया था। सुबह 5 बजे करीब 3 गाड़ियां एक साथ आते हुए दिखी। आगे I-20 थी, पीछे एक अल्टो और उसके पीछे एक टवेरा। हमारे प्रधान आरक्षक महेश चौहान ने उन गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया तो I-20 के चालक द्वारा महेश चौहान को टक्कर मार दी, जिस पर से वो गंभीर होकर घायल होकर गिर गए। पुलिस की टीम द्वारा तत्काल उनको उठाया गया और उनको हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। दूसरी टीम के द्वारा अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी उस गाड़ी के सामने लगाई, I-20 के चालक द्वारा उसको हिट करके निकलने की कोशिश की गई। इसी दौरान पीछे की जो दो गाड़ियाँ थीं वो जब हमारे साथी हमारी टीम प्रधान आरक्षक को उठा रही थी तब पीछे से भाग गई। इसी दौरान हमारी जो चौथी टीम थी उसने पीछे से आकर उस गली में रोक लिया I-20 को, वो पीछे नहीं जा पाई। और जब उसमें जो चालक सवार था उसको उतारा गया तो उसको भी सर में चोट थी। लगातार पुलिस की गाड़ी को हिट करने के कारण उसको भी स्टेयरिंग से सिर में छोटी सी चोट आई है। उसको जब निकाला गया तो उसके पास आर्यन खान निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक वोटर ID मिला, मोबाइल्स मिला, उसके नाम पते की तस्दीक की जा रही है। I-20 की तलाशी लेने पर जो नंबर प्लेटें लगी थी उसके अतिरिक्त गाड़ी में 2 नंबर प्लेटें और पाई गई। जिस गाड़ी की नंबर प्लेट पाई गई वो गाड़ी परसों भंवरपुरा थाना क्षेत्र से चोरी गई थी। इससे ये स्पष्ट हुआ कि आरोपियों द्वारा चलाई जा रही I-20 थाना भंवरपुरा क्षेत्र से चोरी गई थी वो गाड़ी है। इसके साथ साथ गाड़ी की तलाशी पर जो सामान मिला है वो अपने आप में ये इंगित करता है कि ये एक बड़े वाहन चोर गिरोह के द्वारा ये वारदातें की जा रही थी और हमारी टीमें उनके लिए लगी हुई हैं। उम्मीद है हम पूरी गैंग को जल्दी पकड़ेंगे और कई सारी गाड़ियाँ इनसे बरामद होंगी। आपको जिस एक गली में एम्बुस लगाया गया था उसमें एक तरफ से एक बार में निकल सकते थे, एक गाड़ी हम लोगों ने पकड़ ली, 2 गाड़ी पीछे से भाग गई। अब किस तरफ गई हैं उस पूरे में 2500 रास्ते 2500 तरफ जाते हैं, बट हमको मालूम है कि वो कहाँ जा सकती हैं और उनके साथ साथी कौन हैं, उन साथियों को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे।